हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शॉर्ट्स। तो गाइस आज हम देखने वाले शॉर्ट्स, तो चालू करते शॉर्ट्स अपने माइंड। यार रात को मैं सोने गया था, बट पता नहीं किसने किडनैप करके मेरे को इस केज के अंदर बंद कर दिया। यार मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, पूरा बेड रोक का है। गाइस और इन्होंने मेरे को दो चीज दी, इसका क्या होगा? पिक एक्स से काम करते भाई, इसको तोड़ते हैं पहले। क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? बट मेरे को कुछ भी उम्मीद नहीं है कि मैं यहाँ से छोटी सी जगह से निकल पाऊंगा। यार मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कोई बचा लो मेरे को। बट यार एक काम करते हैं, पहले ना हम ज्यादा प्लैंक्स बना लेते, क्या पता ज्यादा चीज होगी तो मैं बच सकता हूँ। तो भाई इसको ऊपर लगाते हैं। नहीं यार अभी भी कोई बात नहीं बनी, बट मेरे पास एक आइडिया है। हम अगर ट्रैप डोर बनाए तो उससे बात बनेगी क्या? ट्रैप डोर बनाते हैं यार सबसे पहले, और ट्रैप डोर को लगाते हैं हमारी छत के ऊपर। नहीं यार मेरी हाइट छोटी पड़ गई, चैन के ऊपर चढ़ के करता हूँ इस बारी मैं। और फाइनली भाई मैं निकल रहा हूँ यार यहाँ से, बहुत मजा आ गया। और एक मिनट, ये वैन किसकी है? शायद जिसने मेरे को किडनैप करा था उनकी वैन है, बट ये चल क्यों नहीं रही? कोई नहीं भाई, मैं इसको उठा के भाग लेता हूँ। मजा ही आ गया भाई, वैन भी मिल गई, भाग लो। फनी शॉट था गाइस। यार रात को आज मैं आपको कुछ ऐसे लाइफ हैक्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने एक सोल सैंड का ब्लॉक प्रेस किया, देन आपने साइड से और ब्लॉक्स लगाते गए, देन आप अपने बूट्स पे सोल स्पीड लगा के दोनों ब्लॉक्स के बीच में चलोगे तो वो स्पीड कैरी ओवर होएगा। ये देखो क्या तुम लोगों को पता है तुम लोग विलेजर को कौन सा भी आर्मर दे सकते हो? आपको सिर्फ वो विलेजर को ट्रैप करना है, इधर एक डिस्पेंसर लगाना है, उसमें आर्मर डालना है और इधर एक लेवर लगाना और फ्लिक करते जाना है। वो आर्मर पहन लेगा और 11 हिट्स का डैमेज लेगा कंपेयर टू जस्ट 3। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में स्पाई ग्लास पकड़ोगे और राइट में क्रॉसबो, तो आप इसको एज अ स्कोप यूज कर सकते हो किसी को भी मारने के लिए। ये देखो अगर आपको एक बड़ी ट्रेजर के लोकेशन पे चेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको चंक में देखना है, एंड उधर लास्ट में 9 और 9 होना चाहिए, और वहीं पे जैसे ही आप नीचे टिक करोगे आपको वो चेस्ट दिख जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। आज मैं आपको कुछ ऐसे, तो आज मैंने नूब को ट्रैप किया ये वाले बेडरॉक केज में, देखते हुए एस्केप कर पाएगा कि नहीं। तो ये चेस्ट में देखते सबसे पहले क्या है, और ऊपर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हर जगह पे बैरियर है। मार क्या रहा है, अपना काम कर, चल एस्केप करने का ट्राई कर। ओ भाई को दिमाग है भाई, एक एक करके सब सामान स्पेल्ट कर रहा है। चेस्ट मिल गया, ओ अभी डायरेक्ट ग्रेवल के लिए जा रहा है, देखते क्या होगा। ओ उसको दिमाग, उसने क्राफ्टिंग टेबल बनाया। अरे ऊपर क्यों बिल्ड कर रहा है, तू ऊपर नहीं जा सकता, क्या करने? अरे सब नहीं, अरे देख तो ले पहले, तेरे को पता है तेरे को कुछ भी नहीं करने का था, तेरे को सिर्फ ये सब सामान निकालने का था, लास्ट फर्नेस में जाके एक एक करके सब कुछ स्पेल्ट करने का था। तो ये ग्रेवल माइन करना है, और अभी हम लोग ने ग्रेवल माइन के उसमें से एक का हम लोग को फ्लिंट मिला जो कि सही है। उसके बाद हम लोग को ये चार वुड माइन करना है, फ्लिंट टेबल बनाना है, इंगट बनाना है, फ्लिंट एंड स्टील बनाना है। उसके बाद इधर एक सीक्रेट चेस्ट है, इसको लेकर डायमंड पिकैक्स लेना है, बट कितना इजी है ना ये। उसके बाद तुम लोग को चेस्ट में से वाटर बकेट उठा, वाटर बकेट इधर डालने का है, माइन करने लगना है। ये सब ऑब्सीडियन, तुम लोग को इधर आना है, एक पोर्टल बनाना है, लाइट अप करना है, और Yes, guys, मेरा नेट स्लो नहीं है। अंदर में जाना है, सिंपल था कि नहीं? देख सिंपल था ये। अरे नूब मार रहा है, मेरे को ऑब्सीडियन में ट्रैप कर रहा है वो। दिस इज रॉन्ग, मैं निकल नहीं पा रहा, उसने मार दिया मेरे को, बदला लूंगा मैं इसका। आज मैंने नूब को, एक आदमी अपने नौकर को बुलाकर उसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का पैकेट, आज मैं आपको कुछ ऐसे लाइफ हैक्स, आज मैंने नूब को ट्रैप, आज मैं आपको कुछ ऐसे। यार रात को मैं माइनक्राफ्ट, बट ये वाला सामने वाले की 2-3 सेकंड के अंदर ही छुट्टी कर देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ग्रेनेड लॉन्चर्स भी देखने को मिलेंगे जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और सबसे एपिक चीज तो ये है कि भाई अगर आप हाइट के ऊपर से कूद रहे हो तो आप पैराशूट भी यूज कर सकते हो, यहाँ बिल्कुल पब्जी और फ्री फायर वाली फील आती है। और अगर देखा जाए तो यार माइनक्राफ्ट में बड़े सिंपल से एनिमल्स हैं, तो इस कमी को पूरा करते हैं एलेक्स मॉब्स ने। भाई इसके अंदर इतने अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जो काफी क्यूट भी हैं और काफी खतरनाक भी हैं। जैसे कि ये मगरमच्छ को ही देख लो तुम, भाई अपने मुंह में पकड़कर तुमको पानी में ले जाता है, और जो तुमको डैमेज पड़ती है ना वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इस मोड के अंदर तुमको एलिफेंट से लेके गोरिल्ला तक भी देखने को मिल जाएगा, और ये गोरिल्ला बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। तो अगर आपको भी इन मोड को डाउनलोड करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी, उनसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और जाते जाते मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, वर्थ इट है। आप यूट्यूबर बोला है, मेरा भी करा देना गाइस, चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शुरू कर देना। माइनक्राफ्ट विलेजर्स ने मेरे को अपने बेडरूम प्रिजन में बंद कर लिया है, और यार ये देखना कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर ओक लोग एक मेरे वर्ल्ड में मेरा हमशक्ल आ चुका है, और वो कह रहा है कि भाई वो रियल है। अच्छा बेटा अभी तेरा टेस्ट लेके देखते हैं। तो पहले चैलेंज में यहाँ पर 3 रूम है, जिसमें से एक में स्केलेटन है, एक के अंदर ज़ॉम्बी भाई साहब है, और एक के अंदर मैंने चेस्ट में डायमंड्स रख रखे हैं बहुत सारे। तो देखते हैं यार ये किसको खोलने वाला है। अरे ये तो स्केलेटन के पास जा रहा है, अरे ज़ॉम्बी वाला गेट भी खोल सकता है भाई, ये तो पक्का मरने वाला है यार, ये असली हो ही नहीं सकता। मैं तो अबे यार ये चेस्ट के पास जा रहा है यार, ये तो गड़बड़ कर देगा। अबे यार इसने ये गेट खोल दिया यार, मेरे सारे के सारे डायमंड्स ले लेगा अभी ये पागल। तो दूसरे इसमें तेरे को चेस्ट
वेस्ट में से बो लेनी है एंड ये जो सामने तेरे को टारगेट दिख रहे ना इस पे तेरे को शूट करना है। लेकिन भाई एक से TNT कनेक्ट है, अगर गलती करी तो तेरा घर खत्म होने वाला है। क्या करेगा ये? अबे भाई इसने गलत वाले पे कर दिया, ये तो बेचारा गया है यार, इसके लिए बुरा फील हो रहा है मेरे को। भाई तबाही देख रहे हो तुम, सॉरी यार तुम असली नहीं हो। मेरे वर्ल्ड में मेरा माइनक्राफ्ट बट मेरे सर्वर में रहता है ये नूब बंदा, और अगर ये मेरे चैलेंजेस जीत लेगा तो मैं इसको एक डायमंड का सेट देने वाला हूँ। तो पहले चैलेंज में सिर्फ स्लाइम के ऊपर कूदना है बट साइड में लावा भी है, अगर आप एक दो इंच इधर उधर हुए तो भाई आपकी एक दो मिनट में टिकट कट जाएगी। तो चलो नूब भाई आप भी करके दिखाओ। अरे अबे भाई 5-6 किलोमीटर और आगे कूद जाता हूँ। तो दूसरे चैलेंज में ये ले बोले एरोज ले और ये जो सामने तेरे को टारगेट दिख रहा ना इसमें शूट करना है, सबसे इजीएस्ट चैलेंज है। तो भाई ये कर ही देगा। अबे तूने कहाँ शूट कर दिया? पड़ोस के घर में। अबे आंटी का सर फोड़ दिया भाई, भाग यहाँ से, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो अच्छा चल मेरे को ये बता, अगर हम ऊंची हाइट पे तो तू कैसे जाएगा? भैया सिंपल, हम कूद जाएंगे। अबे तू पागल वागल है क्या, इतनी हाइट पे से कूदेगा? ले ले मेरे से बकेट ले एंड मेरे को MLG करके दिखा। अबे डर मत, मैं तेरे को देख धक्का वक्का दे दूंगा, जल्दी कर। तो यार ये तो गया बेचारा। ये तो नूब है, मैं बता दूं MLG करते कैसे है। माइनक्राफ्ट बट आज प्रिजन पार करके मुझको एंडर ड्रैगन को मारना है यार। एक तो वैसे मेरी एंडर ड्रैगन ने ऐसी तैसी कर रखी है, मेरे को जो भी करना होगा फटाक से कर। माइनक्राफ्ट बट मेरे नूब भाई ने मेरे को बेडरूम विलेज हाउस में बंद कर दिया एंड देखते हैं ऐसे कैसे निकलेंगे यार। तो मेरे भाई ने मेरे को बंद कर दिया है बेडरूम डेजर्ट टेम्पल में। तो यार यहाँ पर देखो कितना खतरनाक बना रखा है, और यहाँ पर कुछ चेस्ट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक नट। अच्छा इसके अंदर है क्या यार? कैंडल्स है, लैडर है एंड एक स्लैब है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? काम करते जितनी भी ये चेस्ट है ना इनको एक एक करके तोड़ लेते हैं क्योंकि हमारे आगे चल के काम आने वाली है। इसको भी फटाक से तोड़ दे और अब मैं काम करता हूँ। यहाँ पर ना बीच में एक चेस्ट लगाता हूँ, यहाँ कैंडल लगाता हूँ एंड इसके ऊपर स्लैब, और यहाँ पर एक चेस्ट को कनेक्ट करके इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरे पास लैडर है उसको सामने लगाकर व्हिपिंग वाइंस की मदद से मैं इजीली ऊपर आ सकता हूँ। तो यार यहाँ पर भी सब कुछ बंद है बट ऊपर एक होल है, और देखना यार कितना बदतमीज है मेरे को ऊपर से चिढ़ा रहा है। तो एक काम करते हैं सारी सैंड तोड़ लेते हैं, टेम्पल के बाहर जाने में काफी ज्यादा आसानी होगी हमको। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर सैंड लगाते हैं एंड एक के ऊपर एक लगाकर हम इजीली इस बेडरॉक टेम्पल से बाहर आ सकते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और तूने मेरे को क्यों बंद करा था? मम्मी से शिकायत करूंगा तेरी, तो भाग यहाँ से। मेरे भाई ने मेरे को माइनक्राफ्ट बट इस प्रिजन को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस प्रिजन के अंदर भाई बहुत हाइट है और ऊपर टारगेट्स एंड डिस्पेंसर है, यहाँ पर लावा है, यहाँ पर एक छोटी सी जगह जहाँ से मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। तो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मेरे को पता चला कि इस लावा के अंदर एक चेस्ट है जिसमें से भाई मेरे को एक बो मिल गई और एक एरो मिल गया। अब मेरे को समझ आ रहा है।